रिनोप्लास्टी के लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है? राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है उसके अंदर आपके नाक को मॉडिफाई किया जाता है। ज़्यादातर आपके जो बोन्स वाइड होते हैं उसको तोड़ के अंदर लिया जाता है, आपके जो बड़े बड़े कार्टिलेज हैं उनको छोटा किया जाता है, या अगर छोटी कोई चीज़ है तो उसको ऑगमेंट किया जाता है। दोनों ही सर्जरी में हो सकता है कि आपके सर्जन ने आपके नाक के अंदर पैक रखा हो, और क्योंकि ब्लीडिंग बंद करने के लिए वो पैक 2 से 3 दिन तक रखा जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे ऑस्टियोटॉमी माने हड्डी को तोड़ के शेप दिया गया है, तो उसका ब्लीडिंग आंखों के नीचे आके आंखों के ऊपर सूजन आपको आ सकती है, वहाँ पे ब्लैकनिंग हो सकती है, आंख के अंदर का जो व्हाइट पार्ट है उसके ऊपर भी थोड़ा सा लाल कलर आ सकता है। 1 या 2 दिनों के लिए आपकी आंख सूज सकती है, हो सकता है कि आपको देखने के लिए भी हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आंख ज़्यादा खुलती नहीं है। तो राइनोप्लास्टी के लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो हम डॉक्टर्स पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं वो ये है कि आप जब भी राइनोप्लास्टी कराए तो पहले से ही आपका जो भी कुछ नॉर्मल ऑफिस का छुट्टी लेना है वो अच्छे से लेके रखिए, क्योंकि राइनोप्लास्टी में जो सूजन होता है करीबन 7 दिन तक रहता है, तो आप 7 दिन तक लोगों के सामने प्रेजेंटेबल नहीं रहते हैं। आपकी छुट्टियों का प्लानिंग आप पहले से करके रखें और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप घर पे जाए तो आपका नाक पैक हो सकता है, मुंह खुला होने की वजह से आपको स्मेल नहीं आती है और सांस में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या मुंह आपका ड्राई हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप लेना चाहिए। दूसरा कि आपको अगर सूजन आ रही है तो सूजन की दवाई ऑलरेडी आपको डॉक्टर ने दी होती है, वो दवाई आप रेगुलरली लीजिए, जिससे कि आपको जो ब्लैकनिंग होती है या स्किन का चेंजेस होता है या रेडनेस होती है वो बहुत ही कम होती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक और पेन किलर जो आपको दिए गए हैं वो आप रेगुलर टाइम पे डॉक्टर के बताए हिसाब से लेते रहिए। नाक के ऊपर जो भी पट्टी या स्प्लिंट लगी हो उसको दबाए नहीं, उसको चेंज करने की कोशिश ना करें, और आप उल्टा ना सोए जिससे कि वो पार्ट दब के पूरा अंदर का शेप चेंज ना हो जाए। आपको हो सकता है कि सर्दी जैसा लगे या छींक जैसा लगे, तो आप उसके लिए डॉक्टर की मदद लेके दवाइयाँ ले सकते हैं। राइनोप्लास्टी सर्जरी ज़्यादातर 2 से 4 घंटे के बीच में चलती है। उतने समय तक आपके गले में एक ट्यूब रहती है जिससे आपकी सांस चलती है, वो ट्यूब की वजह से गले के अंदर हल्का सा छीलापन हो जाता है, तो आपको जो अंदर है वो जलन सा या आपका गला बैठ गया हो ऐसा लग सकता है, तो उसके लिए आप स्ट्रेप्सिल्स या लोजेंजेस या फिर जो भी पिपरमिंट ऐसा कुछ भी आप कंटिन्यूस ले सकते हैं जिससे आपके गले में सूदिंग हो जाए। आपका जो सूजन है वो 2 दिन ज़्यादा रहता है, 2 दिन के बाद वो कम होने लगता है, इसलिए 2 दिन तक आप सर को ज़्यादा झुका के कोई भी काम ना करें, मोबाइल भी देखना है तो ऐसे ना देखें, थोड़ा सा मोबाइल ऊपर रख के आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर पे अगर काम करना चाहे तो कंप्यूटर का लेवल भी आप थोड़ा ऊंचा रखें जिससे कि आपका सर नीचे नहीं जाए। सोते समय भी आप तकिया लेके 1 या 2 तकिया लेके सर ऊंचा रखें जिससे कि आपका सूजन तुरंत उतर जाए। तो ये पहले 2 दिन की केयर मैंने आपको बताई। उसके बाद जब दूसरे तीसरे दिन पे आपको क्लिनिक बुलाया जाता है और आपके नाक के से पैक होता है वो पैक निकाल दिया जाता है, तो आपका नाक का सांस का रास्ता खुल जाता है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हल्की सी आपको स्मेल भी आना चालू हो जाती है और आपको खाने की भी रुचि रहती है। इसके पहले आप थोड़ा सा लिक्विड या सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं, अभी आप तीसरे दिन से नॉर्मल खुराक सब ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी सूजन उतारने की दवाई या आपको और कोई दवाई दी गई है वो चालू रखनी है। आपका नाक खुल चुका है तो नाक के अंदर ब्लड क्लॉट्स ना हो और नाक सूखा रहे उसके लिए आपको नोज ड्रॉप्स दिए जाते हैं, जो डॉक्टर के बताए मुजब आप दिन में 2 या 3 बार दोनों ही नाक में नॉस्ट्रिल्स में डाल सकते हैं। अभी आपके नाक पे काफ़ी सारा सूजन अभी भी रह सकता है, आपका नाक का शेप आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं दिखता है, थोड़ा सा बल्की या सूजन वाला दिख सकता है, आँखों की सूजन अभी भी हल्की सी रह सकती है। आपको अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है और आपके डॉक्टर्स ने जो भी सलाह दी है वो उसको फॉलो करना है। अब अभी आपका जो नेक्स्ट फॉलोअप होता है वो 7th डे पे होता है।
सेवेंथ डे पे हम आपको बुलाते हैं, उस दिन वापस आपका नाक का जो भी कोई अगर स्प्लीन की ऐसा कुछ है तो निकाल दिया जाता है, और आपको हल्का सा नाक का मसाज सिखाया जाता है जिससे कि धीरे धीरे वो सूजन उतरना चालू हो जाता है। काफी बार अगर सेप्टम वर्क किया गया है तो उसके अंदर सिलिकॉन की स्प्लिंट रखी जाती है, वो सिलिकॉन की स्प्लिंट भी आप 14 दिनों पे निकलती है, तब तक वो अंदर ही बनी रहती है। आप धीरे धीरे मसाज करते जाते हैं, आपका जो नाक का रिजल्ट है वो धीरे धीरे सुधरता जाता है। करीबन 70% रिजल्ट आपको थर्ड मंथ के एंड तक दिखता है। फाइनल रिजल्ट राइनोप्लास्टी का 1 साल पे दिखता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कुछ अलग सा लग रहा है या आपको कुछ टेंशन हो रही है नाक के शेप के बारे में, तो आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें। और राइनोप्लास्टी ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है जिसमें आपको रिजल्ट मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो नाक का शेप दिया वो फाइनल सूजन उतरने में, चमड़ी को सिकुड़ने में और अच्छा रिजल्ट दिखने के लिए करीबन 1 साल का समय लगता है। तो आपको इसके लिए बहुत ही धीरज से काम लेना चाहिए, और आप अपने डॉक्टर्स को जैसे भी आपको रेगुलरली बुलाते हैं वैसे उनको मिलिए, और उन्होंने जैसे भी मसाज आपको करने के लिए बोला है वो आप मसाज कर सकते हैं। और इसके बीच में अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप डॉक्टर को मिलके उसकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी राइनोप्लास्टी की पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो हमने आपको बताई। हमारे कोई अगर कोई पेशेंट अगर राइनोप्लास्टी करना चाहते हैं तो डॉक्टर आशुतोष या एलिगेंस क्लिनिक का कांटेक्ट कैसे करें? एलिगेंस क्लिनिक में हम लोग ओपन, क्लोज और इम्प्लांट सभी तरह की राइनोप्लास्टी करते हैं। अगर आपको हमारा कांटेक्ट करना है तो हमारे कांटेक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में आपको दिए जाएंगे, उसके ऊपर सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपने आपका मूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।